ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे रिन्यूअल करें, मतलब जो लोग सेकेंड ईयर में गए हुए हैं, जो नए बच्चे एडमिशन लिए हैं तो फ्रेश अपना अप्लीकेशन भरते हैं, और जो लोग सेकेंड ईयर में जाते हैं तो उनको क्या होता है कि जो उन्होंने फॉर्म मतलब फर्स्ट ईयर में भर रखा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल करके फॉर्म को स्कॉलरशिप के फॉर्म को रिन्यूअल करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो उत्तर प्रदेश में हमारा स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जा रहा है, मैं उसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दूंगा और एक एक स्टेप वाइज में आपको फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है जिससे कि आपका फॉर्म गलत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये वेबसाइट ओपन करना है, स्कॉलरशिप आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा, SCHOLARSHIP scholarship.up.gov.in, ये आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपको यहाँ पे ओपन करना है। आप यहाँ पे जब इसको डालेंगे ना तो उसके बाद फिर इस टाइप से आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, होम वाला है, उसके जस्ट बगल में स्टूडेंट है, स्टूडेंट पे जैसे ही आप माउस का एसर कर ले जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, फ्रेश लॉग इन है, रिन्यूअल सबसे लास्ट में दिख रहा है ना, फ्रेश वाले बच्चे यहाँ पे करते हैं। हमें जो मतलब जो रिन्यूअल वाले यहाँ नीचे देखेंगे लिखा हुआ है नवीनीकरण रिन्यूअल के सभी छात्र छात्रा जो छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन बिना रजिस्ट्रेशन के सीधे भरे, मतलब जो रिन्यूअल वाले हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट वाले सेक्शन पे आइए, नीचे सबसे नीचे आपको कॉलम दिखेगा रिन्यूअल लॉग इन, सीधे आपको इस पे आना। जब यहाँ पे आएंगे आप तो यहाँ देखिए साइड में आपको दो तीन ऑप्शन फिर दिखने लगेंगे, प्री मेट्रिक, इंटरमीडिएट और पोस्ट मेट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट। तो आईटीआई वाले जो बच्चे हैं उनको इसी पे क्लिक करना है ना, पोस्ट मेट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉग इन, इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिए। फिर इस टाइप से आपके सामने देखिए तुरंत टैब ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, रजिस्ट्रेशन संख्या भरें 2021-22, इस बार क्या चल रहा है आपका 2022 से चल रहा है, 2021-22 मतलब जो आपने पिछली साल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा हुआ था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, मतलब आप जब रिन्यूअल करने जा रहे हैं तो पिछली साल वाला अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म अपने पास में रखिए। ठीक है, उसके बाद नीचे सेकेंड वाले में जन्मतिथि भरना है, फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन अपना पासवर्ड या वेरिफिकेशन कोड डालें। जब आपने पिछली बार भरा रहा होगा फॉर्म तो आपने कोई ना कोई पासवर्ड बनाया रहा होगा, या तो डायरेक्ट स्कॉलरशिप वाले से एक पासवर्ड मिल जाता है, तो उस पासवर्ड को आपको यहाँ डालना पड़ेगा। उसके बाद कैप्चा डालेंगे और आपका फॉर्म जो है और खुल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग करके देखते हैं। और यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसा कि मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या वाले में 2021-22 का जो इन्होंने पिछले साल फॉर्म भरा था उस फॉर्म से देख करके मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है। उसके बाद सेकंड वाले में देखिए जन्मतिथि मैंने डाल दिया, जो उनका डेट ऑफ बर्थ था, जो यहाँ पे आपका 5 नंबर पे था, 5th वाले पे पासवर्ड था। ठीक है, तो पासवर्ड जो पिछले साल इन्होंने बनाया हुआ तो पासवर्ड नोट किया हुआ है इनके फॉर्म के पीछे, तो उसको मैंने डाल दिया है। और जिसको पासवर्ड में दिक्कत आ रही है, अगर मान लीजिए आप पासवर्ड भूल गए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि अगर मान लीजिए आपको पासवर्ड नहीं याद है या आप भूल गए हैं तो नया पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा या दोबारा से उस पासवर्ड को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में कैप्चा कोड जो ऊपर दिया हुआ था 4327 उसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे आपको, सबमिट जो ग्रीन कलर सबमिट है, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए आपके सामने फॉर्म ओपन हो गया इस तरीके से। यहाँ पर देखिए लड़के का नाम वगैरह आ गया कि छात्र का नाम अमित कुमार है, पिता का नाम जो भी है, कॉलेज का नाम आर्यन ग्लोबल प्राइवेट आईटी जो भी है, यहाँ पे सारी डिटेल दिखा रही है रजिस्ट्रेशन वाला। यहाँ पे देखिए दिया हुआ स्टेप वन रजिस्ट्रेशन और सेकंड वाले में अप्लीकेशन फॉर्म है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जैसे जैसे स्टेप पूरा होते जाएंगे यहाँ पे ग्रीन टिक होता जाएगा। ठीक है, तो सारे में ग्रीन टिक हो जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला क्या, रजिस्ट्रेशन करें तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना है क्योंकि ये आपका रिन्यूअल वाला है, तो रिन्यूअल वालों को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक लगा हुआ। अब इसके जस्ट नीचे वाले पे नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए पहला रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो आपने पिछली बार का भरा हुआ सेम टू सेम वही रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसके बगल में जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है शैक्षणिक, आप इस पे जो है क्लिक कीजिए शैक्षणिक पे, उसके बाद आपके सामने ऐसे फॉर्म ओपन होगा। देखिए इस जो पहला कॉलम है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, आप नहीं कर सकते हैं। और जो चौथा वाला है इसमें भी नहीं होगा, ऑटोमेटिक देखिए ले लिया पाठ्यक्रम का वर्ष सेकेंड ईयर अवधि 2, मतलब आप जो है सेकंड ईयर में है और जो आपका कोर्स है वह 2 साल का है, तो इसमें भी चेंज नहीं होगा, ऑटोमेटिक है। प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि भी ऑटोमेटिक है, चेंज नहीं होगा। आपको चेंज किस में करना है, जो 6th वाला नंबर है पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, कि आपका सेकंड ईयर में प्रवेश तिथि क्या है, तो इसको हम लोग बदल लेंगे 01/01/2022। आप लोग अपने कॉलेज के हिसाब से पूछ करके अपने एडमिशन की तिथि को डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने चेंज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे विश्वविद्यालय बोर्ड अपलेटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रखा है, ये स्टेट वाला पड़ा हुआ है, हम इसके जगह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको क्या डालना है, तो आसान तरीका मैं आपको बता दूँ। आप लोगों को मिला रहा होगा आपका एडमिट कार्ड ना, तो एडमिट कार्ड पे आपने देखा होगा तो उसपे आपका जो रोल नंबर होता है वो ऐसे करके लिखा रहता है, 00 करके होता है, 00210, सबका अलग अलग होता है, 80 90, मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ 89 और 540 इस टाइप से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे 00 से स्टार्ट था, आप इसके आगे का दोनों जीरो हटाइए,
आगे का दोनों जीरो हटा करके यहाँ पे कैपिटल आर आर लगा दीजिए। आर लगा देंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। क्या करना है आपको, आपके रोल नंबर का जो आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर है उसके आगे का दोनों जीरो हटा करके, दोनों शून्य हटा करके वहाँ पे क्या करना है, आर लिख देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एक बोर्ड है, बोर्ड ये भी आपका ऑटोमेटिक है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जिनका गलत है वो सही कर सकते हैं। जैसे लास्ट में होता है ना वोकेशनल एजुकेशनल बोर्ड, तो आईटीआई वाले यही बोर्ड अप्लाई करते हैं, वोकेशनल एजुकेशनल बोर्ड आईटीआई का यही बोर्ड है आपका। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगले नंबर पे राशन कार्ड संख्या या परिवार आईडी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने घर परिवार में पापा वगैरह से पूछ लीजिए, अगर नहीं पता है आपको तो आपको राशन कार्ड पे एक नंबर आता है, ठीक है, उसको यहाँ पे हमें फिल करना है, राशन कार्ड नंबर को। तो हम लोग उसको यहाँ पे फिल कर देते हैं, और 21। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे राशन कार्ड संख्या डाल दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, जो कैप्चा है इसको यहाँ पे भर देना, 5 7 5 8 1। ठीक है, आपके जो भी स्क्रीन पे दिखाई देगा यहाँ पे चेंज होता रहता है, वो आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। और नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो मैं प्रमाणित करता करती हूँ, इसके आगे बॉक्स बना हुआ है, इस पर आपको टिक कर दे, जब ये टिक हो जाएगा उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए सबमिट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ ऊपर लिख करके आ गया, क्रॉस बना हुआ, लिखा हुआ क्या, सक्सेसफुली अपडेटेड। जब यह लिख देगा इसका मतलब आपका यह फॉर्म सही हो चुका है, मतलब ये आपका सबमिट हो चुका है, सेव हो चुका है। इसके बाद सेकंड, पहला हो गया रजिस्ट्रेशन, सेकंड शैक्षणिक वाले में, जो थर्ड वाला शुल्क संबंधित, इसमें कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करके हम लोग देखते हैं पहले से ही भरा हुआ है, कितना 18,000, जो आईटीआई की नॉन रिफंडेबल फीस होती है वह 18,000 रुपये होती है, तो इसमें ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है क्योंकि फर्स्ट ईयर में डाला गया था, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब लास्ट वाला जो ऑप्शन है गत वर्ष, इस पर हम चले जाएंगे, और पहला वाला जो ऑप्शन है पास, इसमें भी कुछ नहीं करना है। गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली वार्षिक है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना है। अंक प्रणाली में भी वार्षिक रहेगा, इसमें भी चेंज नहीं करना है। अगर आप में कुछ और है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नहीं खुलेगा, ऑटोमेटिक है। 5 नंबर पे जो है गत वर्ष का प्राप्तांक, ये आपने कितना प्राप्त किया है, तो आपको यहाँ पे वो फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो कैंडिडेट है इन्होंने 520 नंबर प्राप्त किया है। और गत वर्ष का पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या है, तो आपका 600 नंबर का, आईटीआई इस बार आप देखेंगे तो 600 नंबर की थी, तो 520 है, और पूर्णांक कितना रहेगा, पूर्णांक 600 रहेगा। प्राप्तांक आपने कितना प्राप्त किया था, कितना नंबर आया था, ये मैंने डाल दिया, और जो परसेंटेज है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, शिक्षण संस्थान का नाम डालना है, यहाँ पे हम लोग कॉलेज का, जिस जहाँ से आप आईटीआई कर रहे थे उस आईटीआई कॉलेज का आप अपना नाम डाल देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हमने कॉलेज का नाम डाल दिया, क्योंकि हमारे कॉलेज का लड़का है, तो आर्यन ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई थोड़ा रामपुर गाजीपुर, हमने कॉलेज का नाम डाल दिया। इसके आगे देखेंगे तो कैप्चा आ रहा है, कैप्चा डाल देते हैं 9 4 8 3। ठीक है, और यहाँ पर फिर यहाँ पे जो चौकोर बॉक्स बना हुआ है, मैं प्रमाणित करता हूँ कि आ गए, यहाँ पे बॉक्स पे आपको टिक करना है, एक बार फिर से देख लेते ऊपर सभी चीजें सही भरी हुई है या नहीं, पहले वाले में पास रहेगा, दूसरे वाला जो है यहाँ पे वार्षिक परीक्षा प्रणाली रहेगी, तीसरे वाले में जो है वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली रहेगी, और फिर चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक खुलेगा नहीं, पांचवें में आपको अपना नंबर डाल देना, और छठे में जो पूर्णांक, पूर्णांक आपका आईटीआई का कितना है, इस बार 600 का। इसको करने के बाद यहाँ अपडेट वाले पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, अपडेट पे क्लिक करेंगे, देखिए लिख के आ गया ना सक्सेसफुली अपडेटेड, इसका मतलब ये अभी हमारा अपडेट हो चुका है। अब हमने दोनों कॉलम को भर लिया, अब उसके बाद क्या करना है आपको, जो होम वाला यहाँ पे सिंबल बना हुआ ना, यहाँ पे होम, अब आपको होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करेंगे ऐसे खुल जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले पे टिक रजिस्ट्रेशन करने पे था, अब देखिए यहाँ भी टिक हो गया, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, हमने इसको भर दिया, क्लिक हो गया, फोटो अपलोड ऑटोमेटिक ले लिया, प्रमाणीकरण हेतु जो आधार नंबर डाले, क्योंकि हमने पिछली बार का कर रखा है, इसलिए रिन्यूअल में बहुत आसान होता है, ये सारी चीजें हमने पहले का कर रखा है, तो इसीलिए ऑटोमेटिक इन पे सब पे टिक लग गया। अब आप क्या करोगे, जो जांच हेतु है ना, देखिए ऊपर वाले पे नहीं खुलेगा कुछ भी, अब जांच हेतु पे क्लिक करना है हमें, यहाँ पर भी देखिए स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 तीनों आपके ग्रीन हो चुके हैं, जांच वाले पे क्लिक कर लीजिए, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर क्लिक कर लेना है, देखिए इस लड़के का जो है ये ओपन हो गया, इनका नाम वगैरह जो भी था, और यहाँ पर आप क्या करोगे, इस चीज को आपको प्रिंट निकालना है, और इनको अपने डॉक्यूमेंट से अच्छे से मैच करा लेना, कि कहीं कुछ गलती तो नहीं, जैसे कि जो जो आपने अभी भरा था, ये आपका प्रवेश तिथि हो गया, आपका जो पंजीयन क्रमांक हो गया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ठीक है, इस टाइप से नीचे राशन कार्ड वाला जो संख्या हमने डाला था, देखिए यहाँ पर ये आया हुआ है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली, वार्षिक परीक्षा प्रणाली अब कितना नंबर था, 600 का था, कितना प्राप्त किया था, 520 नंबर प्राप्त किया था, परसेंटेज तो ऑटोमेटिक ले लेता है, और शिक्षक संस्थान का नाम एक बार आप मैच करा लेंगे, या तो अपने कॉलेज पर जा करके दिखा लीजिए, मतलब मैच कराने के बाद ही फाइनल सबमिट कीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर आप बैक पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये सारे फॉर्म जो वहाँ ऊपर थे स्टेप 1 सारे ग्रीन हो चुके हैं, अब लास्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें के बाद जो नीचे वाला कॉलम है, जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। ठीक है, लास्ट में क्या, इसके नीचे क्या लिखा हुआ, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट 3 कार्य दिवस बाद अवश्य करें, मतलब
पहले आप यहाँ पे क्लिक मत करना, क्योंकि मैंने फॉर्म देख रखा है, सब कुछ बिल्कुल सही है, इसलिए मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने जा रहा हूँ। लेकिन आप कभी भी ऐसा मत करना, जांच हेतु जो आवेदन प्रिंट करना है, पहले उसको प्रिंट करके अच्छे से मैच करा करके कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, उसके बाद ही आप ये वाला स्टेप उठाना। मैं आपको एक बार फिर कहूंगा कि आप जांच हेतु करने के तुरंत बाद इसको मत कीजिए, जब तक कि अच्छे से आप सारे फॉर्म को मैच न करा ले। उसके बाद जस्ट नीचे जो कॉलम है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपका जो है फॉर्म का फाइनल सबमिट आप कर पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तभी लास्ट में जो है ना, संस्था है तो आवेदन प्रिंट करे ये अभी काम नहीं करेगा, पहले आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे कि मैंने इस पर कर दिया अच्छे से मैच कराने के बाद। ठीक है, अब देखिए इस पर मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ भी ग्रीन टिक आ गया। ठीक है, अब जो है हमें कब मिलेगा संस्था में हेतु आवेदन प्रिंट, तो यह 3 दिन के बाद, हालांकि मैंने देखता हूँ कि 24 घंटे में अक्सर मिल जाता है, मैक्सिमम 3 दिन लगेगा, वैसे 24 घंटे बाद ही प्रिंट होने लगता है। तो जब आप इस चीज को प्रिंट करोगे तभी आपका एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे करके छोड़ देते हो तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना, लास्ट आपका फाइनल कब माना जाएगा, जब आप यहाँ पे संस्था है तो आवेदन प्रिंट करे पे ग्रीन टिक लग जाए और आप वहां से एप्लीकेशन को प्रिंट कर लो। ठीक है, तो यह कब होगा, या 24 घंटे बाद ही होगा, 3 कार्य दिवस बाद लिखता है कि 3 दिन बाद होगा, हालांकि 24 घंटे बाद भी आप चेक करेंगे तो होने लगता है, या मैक्सिमम 3 दिन लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जो है, अब चूंकि अभी तो हो नहीं सकता क्योंकि अभी टाइम लगेगा, तो फिर 2-3 दिन बाद इसको जो है हम लोग दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रिंट निकल जाएगा फाइनल वाला। फिर उस डॉक्यूमेंट को आपको कॉलेज के लिए जाकर जमा करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो जो आपने यहाँ पे यूज किया हुआ इस फॉर्म को फिल करने में, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट है, आपका आधार कार्ड है, ये सारी चीजें भी उसके साथ लगा करके आप कॉलेज पे जमा करेंगे तभी फॉर्म फॉरवर्ड होगा। अगर आप कॉलेज पे जमा नहीं करते हैं तो भी आपका फॉर्म कई बार रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो फिर इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, आप बिल्कुल सावधानी से करें, कोई भी गलती ना करें, और अगर आपको जैसा कि मैंने बताया शुरू में जो पासवर्ड पूछ रहा था, अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि पासवर्ड को कैसे प्राप्त किया जाता है। और फिर मैं एक बार बता दूं कि अभी आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक कि आप दो फॉर्म यहाँ तक करने के बाद ग्रीन टिक जब यहाँ तक आ जाता है, जो लास्ट वाला रह जाता है, तो इसको आप प्रिंट नहीं करते हैं 3 दिन के बाद। ठीक है, अगर आप इसको नहीं करते हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इनकम्प्लीट अधूरा माना जाएगा, तो ये आपको 2-3 दिन के बाद इसको करना ही पड़ेगा, तभी आपका जो है कंप्लीट होगा। ठीक है, थैंक यू।